हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, लास्ट एंड फाइनल पार्ट वीडियो का टाइटल है अनुज धर एक्सप्लेन्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज अलाइव टिल 1985, व्हाई डिड ही हाइड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टू पार्ट्स कर चुकी है, अगर आप मिस कर दिए तो आप सर्च कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ पर भी आपके लिए लिंक्स लगा दूं। तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं और अभी भी मगर कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में, तो देखते हैं आगे के वीडियो में वो क्या बताते हैं, क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगेन, पहले आपका मैं एक सवाल का जवाब, आपको पहले मैं डीक्लासिफिकेशन की हिस्ट्री बताऊं, जो आजकल जो आपने बोला कि नीरा जी के परिवार ने डिमांड किया था। एक्चुअली ये पूरी कहानी शुरू होती है हम 2012 में, जब मेरी किताब इंडियाज बिगेस्ट कवर अप आई, तो मुझसे पहले लोगों ने, जो मैंने और मेरे दोस्तों ने ग्रुप बनाया था मिशन नेताजी, हमारे एक्टिव होने से पहले लोगों ने कहा था हाँ फाइल बाहर निकल के आनी चाहिए, ये बातें बोल, लेकिन वो कभी तरीके से उस डिमांड को पेश नहीं किया गया था। हमने उसको बहुत साइंटिफिकली और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अप्रोच किया कि हम लोगों ने 2005 से सूचना का जो कानून था उसको यूज़ करके हमने सरकार से बहुत सी फाइलों की डिमांड करी, इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी, पीएमओ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की कि आपके पास में कितनी फिर से, फॉर एग्जांपल मैंने 2006-07 में प्रधानमंत्री ऑफिस से पूछा कि आपके पास सुभाष से जुड़ी कितनी फाइलें हैं, तो उन्होंने बोला 33 फाइलें हैं, तो उनकी लिस्ट मुझे दी जाए। ऐसे करते करते हमने विदेश मंत्रालय से, यहाँ से और इवन फॉरन कंट्री से, मैंने अमेरिकन CIA से भी डॉक्यूमेंट निकलवाए, मैंने वहाँ की अमरीकी सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंट बाहर निकाले, इंग्लैंड को छुट्टी ली, ऑस्ट्रेलिया को छुट्टी ली, बहुत जगह बात की। तो हमने ये पूरा खांचा तैयार किया, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी हम लोगों ने, और वो मैंने अपनी किताब 2012 में इंडियाज बिगेस्ट कवर अप जो है उसमें डाला। उसके अंदर मैंने एक पूरा चैप्टर लिखा, उस मायने में मेरा वो चैप्टर सारी जितनी भी लोगों ने मुझसे पहले इस इशू को लेकर किताब लिखी होगी, एक मायने बहुत अलग था कि मेरा अप्रोच हमेशा इस केस को सॉल्व करने का था। मैं सब लोगों को कहानी सुनाने के लिए नहीं आया था कि साहब ये कहानी है, वो मरे थे नहीं मरे थे, वो लोगों ने पहले ही बोला था। मेरा पूरा अप्रोच था कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना चाहिए। जैसे हमारे दिल्ली में आरुषि तलवार वाला केस हुआ था, तो आपने सॉल्व करना है, उसको इंक्वायरी करनी है, सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये मर्डर हुआ था, ये हुआ था, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ठीक है, वो अलग अपनी जगह पे। तो वहाँ पे एक मैंने चैप्टर लिखा कि इस केस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने 10 स्टेप गिनाए कि आपको गवर्नमेंट को और हम लोग को ये स्टेप लेने चाहिए। और उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि डीक्लासिफिकेशन जो है कि सरकार के पास जो फाइलें हैं, चाहे वो मरे हों 45 में या 85 में, इस टाइम पे, इस समय पे आप सीक्रेट फाइलें नहीं रख सकते। और उसमें एग्जांपल मैंने चुन, क्योंकि आपने बात करी है कि अमेरिका और यूरोप की, इम्पॉर्टेंट होता क्योंकि हमारा जो देश, जो आपको पता है कि हम लोग 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, वो गुलामी अभी जाएगी नहीं आराम से। और हमारी जितनी हमारी जो इलीट क्लास है, जो देश की रूलिंग क्लास है, उसमें से 95% का बच्चा यूरोप अमेरिका में ही रहता है और वो आने का इच्छुक नहीं है वापस भारत में, वहीं रहना चाहता है, वो वहीं के बन के रह जाते हैं। तो उनको भी वहाँ की बात है, अगर आप कोई मान लीजिए मेरे पास में दो एग्जाम्पल हो सुनाने के लिए, एक एग्जाम्पल देश का हो, एक विदेश का हो, तो विदेश का सुनाने में ज्यादा लोगों को समझ में आती है बात। तो हम मैंने उसमें पूरी किताब में उनको समझाया कि अमेरिका में, यूरोप में और कंट्रीज में कैसे डीक्लासिफिकेशन होता है, कैसे नहीं होता, कैसे उसको इस्तेमाल किया गया, तो हम कैसा क्यों नहीं कर सकते। तो वो पूरा खांचा मैंने इंडियाज बिगेस्ट कवर अप में तैयार किया। मैं कलकत्ता में किताब को रिलीज करने गया, वहाँ नेताजी के परिवार से मेरी बातचीत हुई, तो मैं उनसे मिला, हमारे आपस में मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद उनको मैंने बोला कि देखिए, जब तक हम लोग सड़कों में नहीं निकलेंगे इसको लेकर के, जैसे कि एक नया ट्रेंड हुआ कि दिल्ली में या कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, कोई भी कुछ गलत बात होती है, लोग सड़कों में निकलते हैं, कैंडल मार्चेस करते हैं। आरुषि वाले केस में कैंडल मार्च निकले थे, वो जैसिका लाल वाले केस में लोगों ने धरने दिए थे, कुछ हुआ था कलकत्ता में भी होता रहता है चीज़ों को लेकर। मैंने कहा जब तक आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं, कोई इतना पुराना मुद्दा लोगों को फर्क नहीं पड़ना, कम से कम आप पब्लिक को हाईलाइट करो, मीडिया में हाईलाइट करो, उसके लिए इवेंट्स करना जरूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और उसमें तो उन्होंने मुझे बोला कि ये आप बंगाल में क्यों करना चाहते हो, मैं बंगाल आपका होम स्टेट है नेताजी का, कहते नेताजी तो देश को बिलोंग करते हैं, नेताजी देश को बिलोंग करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सौरव गांगुली भी तो पूरे कैप्टन तो पूरी भारत की टीम का था ना, उसको फिर रॉयल बंगाल टाइगर क्यों बोलते हैं आप लोग, थे तो वो देश का आदमी है लेकिन बंगाल में अटैचमेंट ज़्यादा है और सपोर्ट सिस्टम थोड़ा ज़्यादा होगा।
मैंने कहा यहाँ पे करने का फायदा ये कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा है, यहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, यहाँ पे आपके इधर आपके आप लोग भी हैं, फैमिली यहाँ पे है और मीडिया भी थोड़ा सा सपोर्ट होगा, तो यहाँ काम करना चाहिए। दूसरा ये कि आपके परिवार के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके परिवार का एक छोटा सा धड़ा है वो इस बात को मान वो सपोर्ट करता है कि वो प्रेम कृष्ण मर गए, और ये धड़ा बहुत पावरफुल है कि उसके कनेक्शन कांग्रेस पार्टी के साथ है, तो पब्लिक को ये नहीं बताते कि हम लोग कांग्रेसी हैं, वो बोलते हैं हम नेताजी के परिवार के हैं, हम प्रियंका जी का नहीं ठीक है, तो इसको भी काउंटर करना बहुत जरूरी है। तो वो काउंटर लोहे को लोहा काटता है, मैं बोलूंगा तो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, बोलेंगे किताब बेचने के लिए आ रहा है ऐसी बातें बोल रहा है, आप उसके परिवार है, आप सड़कों में निकल के लोगों को सच्चाई बताओ कि आपके खानदान में कोई आदमी इस बात को नहीं मानता सिवाय उन दो चार कांग्रेसियों के अलावा, सब लोग इस किसके फेवर में है कि उनका डेथ नहीं हुआ था, इस पर कोई सोल्यूशन होना चाहिए, तो एक इमोशनल अटैचमेंट लोगों की उससे हो जाएगी। तो उस प्रोग्राम को हमने इफेक्ट किया, परिवार के लोग और हम लोगों ने मिल करके रैलियां निकाली, मतलब प्रोग्राम किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की। तो ये जो आपका सवाल ये कि जो डिक्लासिफिकेशन परिवार की वजह से नहीं हुआ था उसमें हमारा हम पीछे लगे हुए थे, जैसे कि हमारा रोल था हमने उन्हें आगे खड़ा कर दिया, तो इसलिए। और लेकिन यह कि करते करते हम लोग सरकार तक पहुँचे, मोदी जी तक हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था 2013 में परिवार का, और परिवार को हमने ही ये सजेशन दिया था, मिशन नेताजी और मेरे चंद्रचूर घोष, मैंने हमने बोला कि आप इस इशू को वही आदमी उछाल सकता है जो कांग्रेस पार्टी से कोएग्जिस्टिंग करे। भाजपा के अंदर ऐसे बहुत से नेता है जो कांग्रेस पार्टी से कोएग्जिस्ट करते हैं, आप सुबह जाइए दिल्ली के लोधी गार्डन में इकट्ठे घूम रहे होते हैं बैठकर, वो कभी इस केस को नहीं हाथ लगाएंगे, आपस में उनकी बहुत अच्छी भाई बहनगी है, वो एक दूसरे के गले मुर्दे नहीं उखाड़ने वाले। लेकिन मोदी जो है उसका ये मैं बात कर रहा हूँ 2012-13 के आसपास की जब हमारी बातचीत चल रही थी, इसका यह है कि इसको जिस तरह से कांग्रेस ने उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की थी, आपको पूरे लोग का देश को कहानी पता है कि उन्होंने कैसे गुजरात में जो भी हुआ है या वो जो शराबुद्दीन वाला जो इनकाउंटर केस था, कि कांग्रेस ने मोदी जी को और अमित शाह जी को ख़त्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और उनका बस चलता तो ये उनको जेल में पहुँचाए थे और उनको वहीं ख़त्म करवाए थे। तो मैंने कहा ये आदमी कम से कम कांग्रेस से इसकी कोई सिंपैथी नहीं होगी, और उनका ऊपर जाना निश्चित तो बिल्कुल वो पक्का है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करो। तो पहले ये फैमिली वाला नहीं मान रहे, क्योंकि फैमिली के अंदर भी बहुत सारे कम्युनिस्ट और वो TMC के सपोर्टर वगैरह वो सब थे, तो वो नहीं माने, बड़ी मुश्किल से उनको मनाया करके फिर वो चिट्ठी लिखी गई फैमिली के बिहाफ में मोदी जी को, वो चिट्ठी को ड्राफ्ट करने वाले में आए मेरे दोस्त चंद्रचूर घोष थे, उनके साइन करा के उनको दिया, फिर मोदी जी से उनसे फैमिली के लोग मिले 2013 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो मोदी जी के दिमाग में नेताजी की बात 2013 से ही डाल दी गई थी उनके परिवार के द्वारा, और परिवार को हम लोग सारी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस या हम लोग सब दे रहे थे करके। और कमाल की बात यह कि जिस दिन वो मतलब प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री के ऑफिस से फोन आया कि आप हमसे मिलिए और ये क्या इशू है ये करके, उसी परिवार ने हमको साइडलाइन करने की कोशिश करी कि आप जिंदगी भर तो ये स्टेटमेंट देते रहे कि नेताजी यू नो सारी कंट्री को बिलोंग करता है, सभी का है, लेकिन जिस दिन फोटो खिंचवाने का टाइम आया PMO में जाने की बात हुई तो आपने हमें साइडलाइन कर, तो अनफॉर्चुनेटली वो जो डीलिंग हुई है हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर मैं उस डीलिंग में होता तो मैं शायद इनसे इनके मैं काम पकड़ लेता कि भैया ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे काम नहीं होगा। तो सरकार ने क्या किया कि मोदी जी गवर्नमेंट ने फाइलें पब्लिक करी हैं लेकिन सारी नहीं करी, और अभी जो स्टेटमेंट आई सरकार की स्टेटमेंट अभी उन्होंने पार्लियामेंट में दी है और जो मेरे ख्याल से झूठ है, और अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता तो मैं उन पर मोशन लगाया था कि जब सवाल पूछा जाता है कि नेताजी से जुड़ी फाइलें आपने पब्लिक करी हैं, तो सरकार कहती है हाँ हमने पब्लिक कर दी हैं, नहीं आपने सारी फाइल पब्लिक नहीं करी है, हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस की फाइलें आप पहले निकालेंगे, आज तक एक भी इंटेलिजेंस की फाइल उन्होंने पब्लिक नहीं करी है, ये सिर्फ PMO के और MHA के कागज वागज उन्होंने दिए हैं, जो उसमें से बहुत से कागज नॉर्मल रूटीन जो पेपर्स हैं, कईयों में मेरा नाम भी लिखा हुआ बाय द वे, तो वो पूरे ढंग से काम, तो ये काम तो हुआ, अच्छा हुआ, मैं ये नहीं कह रहा अच्छा हुआ, मोदी जी ने बड़ी इज्जत दी हमारे को, प्रधानमंत्री ने फाइल निकाली, निकालने का तरीका बड़ा अच्छा था, लेकिन वो पूरा जो प्रकरण हुआ वो हम सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि फैमिली जो थी वो चार्ज में थी, फैमिली ने हमको पीछे धकेल दिया और हम लोग ढंग से डील नहीं कर पाए। इनफैक्ट मेरे दोस्त बहुत नाराज हो गए थे बीच में, वो कहते कि हमको अगर ये लोग बराबर का दर्जा नहीं देंगे और हम पे कंडीशन रख रहे हैं कि आप वहाँ जाकर के PMO में मतलब गवर्नमेंट के सामने फैजाबाद की बात मत करो, तो हम लोग जाएंगे नहीं वहाँ पे, जब परिवार जब जब मोदी ने बुलाया था तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो उनको मैंने बोला कि नहीं ये गलती मत करना कि अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो जो आदमी उस डेलीगेशन में शामिल नहीं होगा
वो स्टेक होल्डर नहीं रहेगा इस पूरे केस में, आप पिक्चर से बाहर, आप कंप्लीटली बाहर हो जाओगे, मीडिया से बात भी नहीं करेगा। तो हम वहाँ जाएं, चाहे हमको चुप हो, चाहे हमें ये बोले ना दे वहाँ पे, चाहे हमको चुप होकर बैठना पड़े एक प्रति सीट पे, लेकिन अगर 40 लोगों का ग्रुप उनसे मिलने जा रहा है, प्रधानमंत्री बुला रहे हैं, तो उसमें हमारा जाना जुड़े ताकि हम लोग उसमें स्टेक होल्डर बन जाए, बाकी चीज़ को बाद में देखी जाएगी। तो ये इन कारणों से जो आपस में फ्रिक्शन हुआ हमारा, इस तरीके केस को हम तरीके से फैमिली, और फैमिली भी नहीं चाहती थी। एक और बात, इस पूरा प्रकरण में बहुत बड़ा कांड हुआ जो अभी तक लोगों को समझ में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो मीडिया में खबरें पढ़ के अपना वो बना लेते हैं, लोग किताब मेरी पढ़ते नहीं, किताब में हमें डिटेल में समझाया पूरे केस को कि कहानी क्या है। वो इंग्लिश में कहा होता है ना, वो डेविल लाइज इन द डिटेल, आपको डिटेल देखनी पड़ती है, वो 200 वर्ड्स की स्टोरी से आपको नहीं मालूम चलेगी असली कहानी है क्या। हुआ क्या था, मेरे और मेरे दोस्तों की वजह से हमने गृह मंत्रालय को मजबूर करा, चंद्रचूर घोष, मैंने, उन्होंने कोई मनमोहन सिंह के टाइम पे उन्होंने कोई 1000 फाइल पब्लिक करा है, जो मोदी जी से बहुत ज्यादा नंबर है, और वो फाइल पब्लिक चुपचाप से करके, मतलब प्रेशर में आकर के उन्होंने पब्लिक किया। हमने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में वहां गए थे हम लोग, हमारा केस था सूचना के अधिकार में, वो हम जीत गए, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में फाइल पब्लिक करनी पड़ी, तो चुपचाप से उन्होंने निकाल के उन्होंने नेशनल आर्काइव में फाइल भेज दी। अब किस्मत की बात यह कि फाइलों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है नेशनल आर्काइव में, तो वो गवर्नमेंट ने भेजी है मेरे ख्याल से वो 2012 के आसपास, 2010 में डिसीजन हुआ कि फाइल कुछ हम देंगे, 12 में भेजी है, वो 14 में जाके अवेलेबल हुई जब मोदी जी पावर में आ गए थे। तो जो फाइल पब्लिक नेशनल आर्काइव में अवेलेबल हो गई रिसर्चर्स को, मैं वहाँ पे देखने गया उसको, और मैंने वहाँ जाके देखा कि फाइलों से निकल के आया कि गलती से कुछ ऐसे कागज उन फाइलों में आ गए जो उनको गवर्नमेंट को पब्लिक नहीं करने चाहिए थे, और वो थी इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड थे, वो ये दिखा रहे थे कि नेता जी के परिवार और बाकी लोगों पे इंडिपेंडेंस के बाद जासूसी होती थी बड़ी जबरदस्त। ये जब हमारे हाथ खबर लगी तो मैंने उस पर पहले आर्टिकल लिखे, फिर वो उसके बाद इंडिया टुडे को स्टोरी मैंने वो बना के दी, मतलब उनको मैंने फाइल पकड़ाई, तो इंडिया टुडे में कवर स्टोरी आई कि सब नेताजी के परिवार पे जासूसी हो रही है, और वो जब खबर आई तो पूरे देश में बवाल मच गया, और वही नेताजी के परिवार के लोग जो जिंदगी में कभी टेलीविजन स्टूडियो नहीं देखा होगा, वो सारे के सारे टीवी स्टूडियो में पहुंच गए, और ये सारा मुद्दा दुनिया को लगा कि साहब परिवार पे बड़ी जासूसी हो रही है, बड़ा अनर्थ हो गया, ये हो गया, लेकिन लोग इस बात को भूल गए कि वो फाइलें निकालने वाले हम लोग थे, हम लोगों ने निकाली, हम लोगों ने सारा मेहनत करा, हम लोगों ने मीडिया को बताई, हम भी उसमें बीच में थे, हमारा भी मीडिया में बहुत नाम चला, लेकिन वो सारा काम हमने किया। और लेकिन जब ये फाइल बाहर निकली है तो सारे लोगों ने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मीडिया में खुद टॉप के लेवल के लोग हैं, ये मीडिया खुद, चाहे वो इंडिया टुडे हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, सब ने एक ही कंक्लूजन निकाला, और परिवार के लोगों ने पब्लिकली बोला कि सुभाष बोस जिंदा थे, क्योंकि मरे हुए लोगों पर जासूसी नहीं होती, अगर वो आदमी मर चुका था तो उसके मरने के 30-40 साल बाद या 20 साल बाद भी आप उसके परिवार के लोगों पे और बाकी लोगों पे क्यों जासूसी कर रहे थे। जासूसी करने का मतलब था कि उसके बारे में, असली आदमी के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाए। तो ये बात परिवार के लोगों ने खुल के बोली है, ये आप उस जमाने की, आप 2015 के अगर आप देखेंगे प्रेस कटिंग्स या मीडिया इंटरव्यू, तो फैमिली वाले खुद बोलते थे, लेकिन उसी परिवार के लोगों को थोड़ी देर बाद में ये उनका दिमाग ठनका कि हम तो पब्लिकली ये बोलते हैं कि नेताजी को रूस में मार दिया गया था, लेकिन अगर ये फाइलें सन 70 की आ रही हैं और हमने खुद बोल दिया कि 84 तक जासूसी हो रही थी हमारे परिवार की, तब तो रशिया में मरने वाली बात ठीक नहीं हो सकती। तो उनको कहीं ये खटका लगा कि ये सारा केस घूम फिर के फैजाबाद पे आ रहा है, कि अगर उनके मरने के 20 साल बाद तक जासूसी हो रही है तो रशिया में मरने वाली कहानी ठीक नहीं हो सकती। तब इनकी फैमिली ने एक रातों रात पलटा इन्होंने मारा है। जो लोग अपनी पूरी जिंदगी भर तक प्लेन क्रैश की चोरी को पोस्ट करते थे, आज वो सारे के सारे एक झटका उन्होंने मार के सपोर्ट स्टार्ट कर दिया प्रेम कैशो, क्योंकि उनको फैजाबाद को एडमिट नहीं करना, उनको लगता है कि उसमें उनकी बहुत किरकिरी होने वाली है। क्यों? तो ये पूरी कहानी है डीक्लासिफिकेशन की और ये निकलने की, और सरकार ने फाइल पब्लिक नहीं करी है, और थोड़ी बहुत करी है लेकिन असली मालमत्ता उन्होंने अभी तक बाहर नहीं निकाला है। तो ये मेरा कहना है। मेरा जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि वो यही था कि ये कोई भी गवर्नमेंट हो, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर, कोई भी हो, ये सारे इतना डरते क्यों? देखिए देखिए, अगर आप उसका उसका वैभव जी, उसका आंसर ये होता है कि
दिल्ली का जिमखाना क्लब आपने देखा होगा, आपने पीएमओ के साथ में जिमखाना क्लब, जिमखाना क्लब चाहे आज के बात हो, चाहे आज से 10 साल पहले हो, चाहे 20 साल पहले हो, चाहे 30 साल पहले, या 40, 50, 60, 80, 90 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में, वो कोई फर्क नहीं उसके अंदर। पहले भी साहब बैठते थे, अभी भी साहब बैठते हैं। तो देश की जो रूलिंग क्लास है हमारे यहाँ, जो रूलिंग एलीट है, उसके माइंडसेट में कोई फर्क नहीं आया। वो उसका वही होता है कि मतलब शरीर यहाँ रहता है दिल्ली में, आत्मा उनकी न्यूयॉर्क में रहती है। बच्चा तो ऐसी सेटल उनका वहीं होता है ज्यादातर लोग का, कोई मजबूरी का मारा बेचारा को छोड़ना पड़े तो आता, नहीं तो कोई वापस नहीं आता। ये तो पहली बात ये कि कोई आपका जो रूलिंग एलीट क्लास का कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी किसी पार्टी का हो, किसी जमात का हो, वो सारे के सारों का सोचने का तरीका एक होता है। सुभाष बोस वाले प्रकरण के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसको राइट लेफ्ट विंग का कोई इशू वो टैकल नहीं कर पा रहा, वो ये है कि अगर आपने नेताजी की कहानी पब्लिक कर दी, उसके बहुत से रेमिफिकेशन होंगे। ठीक है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि उनके रिश्ते फॉरेन कंट्री से खराब हो। चलिए आप उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि जैसे मैं खुद बोलता हूँ कि 2020 में आप कोई रिश्ते खराब इतनी पुरानी बात को लेकर नहीं होने वाले। जो भी कुछ मम्मी बाबा ने बोला ठीक है, अगर वो सच भी है, चाहे जो भी उन्होंने कहा है वो अगर सच सच भी हो, 2020 में बहुत पुरानी बात होगी, तो आप इससे कोई हमारे रिश्ते कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से, रशिया से अभी क्यों खराब होंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है, वो प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि इस पूरे केस की जड़ बन गई है, वो ये है कि इस देश को जब आज़ादी मिली और उसके बाद से एक नैरेटिव, जो सरकारी नैरेटिव जो चल रहा है, सब नैरेटिव का बाप, और ये जितने काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट के नैरेटिव को चेंज करें और नहीं कर पा रहे हैं, ये नैरेटिव जो सरकारी नैरेटिव है जिसको सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की पूरी ताकत उसमें लगी हुई है, उस पर अरबों रुपए का खर्चा होता है हर साल का, पूरे दुनिया में काम होता है उसको लेकर, वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है कि भारत को जो फ्रीडम, जो हमारा देश जो आज़ाद हुआ, जो देश बना, इस रूप में आया, जिस रूप में आज है, वो खड़ा करने में मेन आदमी था महात्मा गांधी। ये सरकारी नैरेटिव है, और वो इतना महान आदमी था कि उसने प्यार मोहब्बत से अंग्रेज को बोल के यहाँ से प्यार मोहब्बत में भेज दिया, और वो भी कितने अच्छे लोग थे अंग्रेज के, वो चले गए प्यार मोहब्बत में। तो ये कहानी बहुत सुंदर कहानी है, और ये कहानी मतलब हमारे लिए भी अच्छी है, अंग्रेजों के लिए भी अच्छी है, उनकी भी इमेज अच्छी हो जाती है कि साहब बड़े शरीफ लोग थे, 200 साल तक यहाँ पे रहे, हमारा खून चूसा, दुनिया के सबसे अमीर देश को सबसे गरीब बना दिया, लोगों को मार दिया, ये किया वो किया, लेकिन बड़े अच्छे लोग थे, प्यार मोहब्बत में चले गए यहाँ से। लेकिन ये कहानी सेलेबल है, ये नैरेटिव सेलेबल है यहाँ पे, ये सेलेबल है इंग्लैंड में, इंग्लैंड में सेलेबल है तो अमेरिका में सेलेबल है, और ये वही देश है जहाँ पे आपके जो हमारी जो रूलिंग क्लास के जिनके बच्चे उनकी आत्मा वहीं बसती है उन देशों में जाकर। प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आज भारत सरकार इस बात को मान ले कि सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, मैं टाइम्स नाउ में जब ये 2015 में बहुत ज्यादा केस लेकर के, तो मुझे अर्णब गोस्वामी ने उस जमाने वो टाइम्स नाउ के एडिटर थे, अर्णब ने मुझे बोला था, तो वो खाना खा रहे थे हम लोग वहीं पे, वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि इतना कितने सारे कंट्रीज में ये चैनल जाता है टाइम्स नाउ, और इतना लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आज तक हमने किसी और इशू पे देखा नहीं है। मैंने उनको बोला कि बहुत साबितों का अभी कुछ दिखाया नहीं आपने, अभी तो बहुत इसके अंदर बहुत मटीरियल है, अभी तो कोई बेसिक बहुत छोटी चीज़ आपने उछालनी शुरू करी है। तो मैं सवाल ये उठता है कि इस इशू के निकलने से इतना बवाल मच सकता है 2015 में कि पहले पन्ने में आ जाएगा, प्राइम टाइम पे डिबेट होगी, दुनिया में भर में लोग देखेंगे, भगवान न करे कल को प्रधानमंत्री मोदी रात को टेलीकास्ट करके बोल देता है कि वो नहीं मरे थे प्लेन क्रैश में, वो जिंदा थे बाद में। अब फैजाबाद को छोड़ दो, अगर वो रूस वाली बात भी बोल देगा, आपको मालूम है उसका असर क्या होगा देश के अंदर, कितना तगड़ा बवाल मचेगा इसको लेकर। तो छोटी मोटी बात नहीं है ना, ये कोई जसे का लाल नहीं है, वो सुभाष चंद्र बोस है, बवाल मच जाएगा देश के अंदर बड़ा जबरदस्त। तो जब बवाल मचेगा तो बात घूम फिर के फिर सारी स्पॉटलाइट होगी नेताजी की पूरी लाइफ, फिर बात घूम फिर के आएगी कि यार देश को आजाद तो करवाया सुभाष बोस ने, और सारा का सारा इन्होंने सेहरा बांध दिया गांधी जी के सर पे, तो वहां लोग को गुस्सा आएगा, अब लोग कहेंगे नहीं इसको ठीक करो, ये तो आप गलत। अब जब ये जब बात निकलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी रूलिंग क्लास जो है, आपकी जो रूलिंग एलीट है, साहब लोग जो हो गए, सेक्रेटरी साहब हो गए, बड़े बड़े जिन लोगों ने 50, 60, 70 साल से गांधी भक्ति करके अपना अपना नाम कमाया है, जिनको गांधी भक्ति करने का फायदे होते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये कि अमेरिका यूरोप में ये माल बिकता है जहां उनकी फैमिली सेटल है सब लोगों की, गलत नहीं है फैमिली सेटल करना, मैंने कभी नहीं बोला, मेरे भी बहुत से मित्र, मैं भी खुद वहां जाता रहता हूँ, लेकिन
आपने अगर यही करना है कि मैंने खानदानी वहां सेटल करना है और आप मुझे दुनिया को मैं देखूंगा उसी नजरिए से जो नजरिया न्यूयॉर्क में सेट होगा, तो भैया फिर तो मैं मुझे फिर आपके नजरिए से मतलब नहीं है। तो आपको पता है कि हमारी इलीट क्लास का क्या रवैया क्या होता है, काला अंग्रेज का कॉन्सेप्ट क्या है, कि गोरे अंग्रेज थे वो आए चले गए, काले अंग्रेज बैठ गए, गोरे अंग्रेज का भी बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, काले का भी ऑक्सफोर्ड पढ़ेगा, वो भी साहब हमें बोलते हैं कि हिंदी मीडियम में जा, तेलुगु मीडियम पढ़, बंगाली मीडियम पढ़, खुद का बच्चा पढ़ेगा आपका अमेरिका में, ताकि मैं उसको बुला करके उसका। तो इस तरह की जो काले अंग्रेज का, इनको किसी को फायदा नहीं है इसका। और दूसरा ये कि सुभाष बोस को यूरोप अमेरिका में ब्रांड करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनके खिलाफ था। तो ये जिन लोगों को ये जो गांधी का नाम जब जब के जो 50-60 साल से पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है कि लोगों ने दबा के पैसा कमाया उसके ऊपर, दुनिया जहां भर की यूनिवर्सिटियां खोल दी उन्होंने, बेकार बेकार की उलूल जुलूल बातें करते फिरते हैं। आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपका होश उड़ जाएंगे सुन करके। हमारा आज की बात करें, हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप गूगल पे उसके यूट्यूब में टाइप कीजिए, वो कह रहा है कि हम लोग आप गांधी जी के रास्ते पे चलेंगे। जिस देश का रक्षा मंत्री गांधी के रास्ते पे चलने की बात कर रहा है, मेरे तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे पे है बड़ी जबरदस्त। कि गांधी जी ने क्या बोला था फौज के बारे में, कि फौज को डिसबैंड करो, क्या बोला था उन्होंने कश्मीर के बारे में, कि भारत पाकिस्तान से लड़ाई नहीं लड़ेगा। उन्होंने साफ बोला कि अहिंसा की ताकत इतनी ज्यादा है कि एटम बम फेल जाएगा उसके सामने। सुबह शाम आप बच्चों को बरकला रहे हैं कि गांधी के रास्ते पे चलो, अगर बच्चे अगर गांधी के रास्ते पे चलेंगे तो फौज में कौन जाएगा, इनके बच्चे तो जाएंगे नहीं, जो साहब लोग के बच्चे तो जाते नहीं, ना मंत्री के जाएंगे, ना संत उनके, ना ना ये ब्यूरोक्रेट्स के जाएंगे, जो आपके बैठते हैं सारे बड़े बड़े क्लबों में शाम को, जो देश की रूलिंग एलीट है, इनके बच्चे तो नहीं जाते आपके फौज में, वो तो अमेरिका में जाएंगे, वो तो गूगल में नौकरी करेंगे, वो तो सिलिकॉन वैली में जाते हैं, वो तो लंदन में काम करते हैं किसी बैंकर्स के पास में। तो ये जो पूरी जमात है इसको कोई फायदा नहीं है किसी छानने का, और वो गांधीवाद को प्रमोट करने का इनको दबा के फायदे है। सबसे बड़ा फायदा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में माल बिकता है। तो अगर ये सुभाष बोस की कहानी निकलेगी तो ये पूरा का पूरा जो ये जो उन्होंने बिल्डिंग खड़ी किया, ये झूठ का पुलिंदा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये पूरी बिल्डिंग गिरेगी। और इसलिए वो लोग जिन्होंने 70-80 साल से इस झूठ की बिल्डिंग से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, नाम कमाया, और वो कंट्री को राज कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने निकल के। तो ये इसका एक बताने का तरीका है कि ये क्यों ये सरकार, चाहे लेफ्ट की हो चाहे राइट की हो, इसको क्यों हाथ में लगाते हो इसको। तो फ्रेंड्स सीरियसली बताऊं कि इन्होंने बोला तो काफी बोल, जो बोला जिस वे से उसमें दम था, पर जब मैं बार बार सोच रही थी कि प्रूफ क्या दिया इन्होंने, प्रूफ क्या दिया, प्रूफ कुछ भी नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था। उन्होंने जैसे, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद उन्होंने जैसे कहा था कि वहां जापान में उनकी अस्थियों के वो एशेस है तो उसका डीएनए चेक हो सकता है, तो वो भी नहीं उन्होंने बताया कि फिर क्या डीएनए चेक करवाया उन्होंने, वो बात नहीं बताई। फिर उन्होंने कहा कि जो गुमनामी बाबा है उसका भी कोई प्रूफ नहीं आया, पर ये बोल रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं हाई पोजीशंस में उनके बच्चे यूएसए में हैं, इसलिए वो कर, अब यूएसए से अगर किसी के हाई ऑफिसर का बच्चा अगर मान लो यूएसए में है तो वो यूएसए छोड़ के इंडिया में थोड़ा पॉलिटिक्स में आ रहा है, फर्क क्या पड़ता है। मतलब आप मान लीजिए कोई हाई ऑफिशियल है, उसका बच्चा मान लो चला गया यूएसए में, वो यूएसए के बाद वापस तो आ नहीं रहा पॉलिटिक्स में लड़ने के लिए, वो तो यूएसए बैठ के खत्म हो गया। वहां के लोग जो है बीजेपी की आप देखते हैं सरकार, उसमें कौन सा हाई ऑफिशियल है भाई जिसके जो बच्चे हैं वो बाहर जाके प्लान बना रहे हैं कि वो वापस आएंगे इंडिया में, ऐसा नहीं चला गया। और ये खुद भी बोल रहे थे कि जो वो तो चाह रहे हैं कि सारे परिवार का परिवार यूएसए जाए। तो फिर क्या, अगर चला गया तो फिर उससे क्या लेना देना यहाँ पे। मतलब वो तब होता है कि अगर कोई गया फिर वापस आ रहा है पॉलिटिक्स में आ रहा है, वो तो नहीं हो रहा। तो समझे तुम यहाँ नहीं। और दूसरी बात यह है, महात्मा गांधी जी ने एक बहुत कॉन्सेप्ट दिया था बहुत क्रिटिकल, वो कॉन्सेप्ट ये था डिसोबीडियंस का, कि अगर मैं तुम्हारा लॉ नहीं मानता तो तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, तुम्हें मारोगे मार लो मुझे, मैं तेरा लॉ नहीं करता। और क्योंकि जब लॉ फॉलो ही नहीं करोगे तो दूसरा बंदा रूल कैसे करेगा। अगर वो रूल में टैक्स दो, मैं नहीं देता टैक्स, आके मारने मार दे, मैं नहीं देता टैक्स, राइट। अगर कोई भी हो, मैं बोलता हूं कि 8 बजे दुकानें खुलेंगी, नहीं खुलते हम 8 बजे, क्या करोगे, 12 बजे खोलूंगा, क्या करोगे, राइट। जब अगले बंदा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा तो वो क्या इंडिया में रहेगा। पॉइंट तो ये डिसोबीडियंस की, पॉइंट तो यही था मेन डिसोबीडियंस का, कि मैं वॉयलेंस नहीं कर रहा मगर तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते तुम्हारा लॉ फॉलो करने के, नहीं करता।
अगर तुम बोलते हो रात को शटर बंद करने हैं, तुम्हें 8 बजे नहीं करते लोग, 12 बजे खोलेंगे, तुम क्या कर लोगे? आप इन्फोर्स करोगे? मार दो लोगों को, मैं तो नहीं, तुम ही शटर बंद करोगे? कितने लोग हो तुम, कितने बंद कर दोगे शटर? मतलब पॉइंट ये था कि जब जबरदस्त डिसोबीडियंस हो रहा है, जब डांडी मार कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, फिर जब डांडी मार रुचि लोग गए थे वहां सॉल्ट लेने के लिए, सॉल्ट ले लिया, क्या करोगे? नहीं देता टैक्स में भाई, राइट? सो क्योंकि डिसोबीडियंस इतना हो गया था कि उनको पता चल गया था कि अब कंट्रोल नहीं, अब कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई लॉ मानता ही नहीं है, तो लॉ मानेगा ही नहीं तो क्या करोगे? और हैं वो जरा से लोग, सारा कंट्रोल उनकी उनके कर रहे थे लोग, अगर मतलब हमारे लोग ही जो है कर रहे थे, अगर नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? तो पॉइंट ये था इस कॉन्सेप्ट के पीछे। हाँ, पर हम ये नहीं कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो उनका कंट्रीब्यूशन कम था, बहुत ज्यादा था, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था उनके, अगर वो नहीं होते तो शायद हमें आजादी अभी इतनी जल्दी मिली नहीं। बिल्कुल नहीं, हम ये किसी एंगल से नहीं कह रहे कि सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, हम तो कह रहे अमेजिंग कंट्रीब्यूशन, वो नहीं होते तो हमारी आर्म्ड सर्विस स्ट्रांग नहीं होती, इसमें कोई शंका नहीं है कि ही इज ग्रेट, और अगर वो जिंदा होते तो वो हेड बन जाते, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनो, क्यों ना बनो, डिजर्व भी करते। तो अगर बात होती है कि अगर वो जिंदा होते और लोगों को पता चलता तो उनको बनाते, अच्छी बात है, हमारे हीरो हैं, बना हीरो है, बना। क्वेश्चन ये है कि इसमें जितना भी उन्होंने बोला इसमें कोई प्रूफ नहीं है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं था। और जैसे वो कह रहे हैं कि फाइल्स जो हैं उन्होंने सारी डिस्क्लोज नहीं की, तो मैं मेरा तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं मैं कह रही हूँ कि अगर नहीं की तो जैसे पहले फाइट करके डिस्क्लोज करवाई है तो अभी भी फिर बाकी क्यों नहीं डिस्क्लोज? तो वही कह रहे हैं कि स्पाई की फाइल्स हैं जो कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं उनको नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्योंकि ये तो नॉर्मल बात है भाई, हर कंट्री में जो भी चीजें पब्लिक होती हैं, जो टॉप सीक्रेट होती है कभी पब्लिक नहीं होती, वो हर कंट्री अपनी टॉप सीक्रेट थोड़ा पब्लिक करता फिरेगा, तो इसलिए कोई कंट्री जो है टॉप सीक्रेट नहीं करती, इसका मतलब कोई बात थी, मगर क्या बात है हमें नहीं पता। पहली बात तो ये है कि वो टॉप सीक्रेट है, प्लस जो उनका खुद के जो खानदान है जो वो भी मुझे समझ नहीं आया, उन्होंने कहा कि जब उनको लगा कि ये जो स्टोरी है अब गुमनामी बाबा की तरफ जा रही है तो वो नहीं चाहते थे कि वहां हाईलाइट हो, वो भी नहीं समझ रहे क्यों नहीं आएगा, अगर आप फैमिली हो तो आप तो चाहोगे कि सच्चाई सामने आए, तो वो क्यों नहीं दिखाना चाहेंगे कि भैया भगत को, प्रूफ नहीं था आपके पास, कोई गुमनामी बाबा से किसी ने उनसे इंटरव्यू नहीं की, किसी से बात नहीं की, कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, कुछ फैक्ट्स कॉन्क्रीट नहीं मिले, स्पेक्यूलेशन ही है कि ऐसा ऐसा होता। अगर अभी पता चल जाए कि सुभाष चंद्र बोस जो थे जिंदा थे तो क्या बवाल होगा? कुछ बवाल नहीं होगा। अगर ये बात कर रहे थे कि 2000 में, अगर 2002 में, 2005 में, 2012 में, 2016 जो भी, अगर पता लगता तो क्यों होता बवाल? वो तो जा चुके हैं, अब वो जा चुके हैं तो बवाल क्या करोगे? और अपने समय में अगर आ जाते तो भी अच्छी बात थी, लोग बोलते हैं हाँ तब बात हो सकती थी कि उनको बोलते, मगर एज देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से बोलेंगे हाँ आए बनिए। तो मेरे ख्याल से ये सारी जो है स्पेकुलेशन है, कोई भी इंसान बहुत बातें बोल सकता है, और इसमें फैक्ट यही है कि जब तक आप मतलब जब तक आप फैक्ट नहीं बताते कॉन्क्रीट, तब तक कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी कोई प्रूफ नहीं आया। हाँ ये कह सकते हैं कि प्रूफ, ये कह सकते हैं कि ऐसी रहस्य हैं जिनसे पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हुआ। श्योर हाँ, डेफिनेटली रहस्य है, डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास हो सकता है, गवर्नमेंट को नॉलेज हो, मगर जब तक प्रूफ नहीं आते आप श्योर नहीं हो सकते, नहीं बोल सकते। पर ये क्वेश्चन है, जैसा आपको कहा था ना कि हमने इतनी मूवीज, इतने आर्टिकल सब देखे हैं और सब में ऐसी होता है, पर नेट में कोई वो पक्का नहीं होता ठोस सबूत की हाँ वही थे, वही यहाँ पर भी हुआ है कि कोई ठोस सबूत नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं बताया कि कुछ ऐसी चीज उन्होंने देखी हो। उन्होंने ये जरूर बोला कि फैमिली के ऊपर जो है वो स्पाई कर रहे थे, पर अब वो स्पाई क्यों कर रहे थे, क्या वजह है, वो तो अब उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। तो इससे हम 100% नहीं कह सकते कि भाई हाँ वाकई ये बात जो बोल रहे हैं वो ठीक है, पर वही है क्वेश्चन मार्क अभी तक है। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट सेक्शन में शेयर करना अपने थॉट्स, पर इस इंटरव्यू में तो वैसे ही जैसे मूवीज देखी थी ना, कुछ नेट में 100% कोई शो, हाँ बस यही था कि कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्लियर नहीं है, वो तो पक्का है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।